वो फोन खड़ता नहीं मैं बोल रहा हूं कब आ रहा हूं आई काली हूं बैठी हूं नहीं हो अब नहरों में पानी आ जाएगा 9 तारीख को, 9 तारीख को पानी आने के बाद और सप्लाई दुरुस्त हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक बार बताओ, बर्फ फैक्ट्रियों का मिल जाता है, टैंकरों का मिल जाता है, गरीब तबके को पानी क्यों नहीं मिल रहा है, बताओ। इसी एरिया में पानी की समस्या क्यों, हमने हर बार रोड शो करना पड़े, फुल पानी आता है, कदे कदे आप लोग सीवर का मिक्स होगा, सीवर का मिक्स होगा, कदे कदे आओ है तो सीवर का पुराने वो पानी पूरा पानी खोल रहे नहीं आया था, फिर से पानी खोलना 15 मिनट में पानी आ जाएगा। ये रोड जाम करने की स्थिति पैदा होगी और आप जानते भाई पब्लिक, आम पब्लिक दुखी हो गए। आपको शासन प्रशासन का जो 2 घंटा टाइम दिया है, अच्छा कहने लगे डिक्की में पानी आया हुआ है, डिक्की फुल होने के बाद हम पानी खोलते हैं 2 घंटे, 2 घंटे हम भर दे रहे हैं। मीडिया वालों से भी निवेदन हाथ जोड़ के ये हमारी जो पानी की जो मांग है उसको थोड़ी ध्यान से शासन प्रशासन तक पहुँचाए, मीडिया वाले का धन्यवाद होगा। 1.5 महीने से पानी नहीं आ रहा है। तो अब जो SDO साहब आए थे उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपने? 2 घंटे का टाइम दिया जी, 2 घंटे में बूस्टर फुल हो जाएगा और पानी छोड़ देंगे, सप्लाई आ जाएगी आपके। अगर 2 घंटे में अगर पानी नहीं आता तो आप दोबारा जाम लगाने? ये रोड जाम है जी, इस बार इससे भी ज्यादा पब्लिक होगी और प्रशासन आएगा और सबको आना पड़ेगा यहाँ। इस वार्ड के MC विनोद कुमार जी, जय भी रंगा जी, ये हमारे साथ हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। दोनों वार्ड के MC हमारे साथ हैं और सुबह से हमारे साथ खड़े हैं, इनका कोई दोष नहीं है। ये सुबह से कोशिश भी कर रहे हैं फोन करके, लेकिन पानी का समाधान नहीं हुआ। ठीक है जी, धन्यवाद।